अगला प्रदेश सरकार ने इतनी बढ़िया स्कीम चलाई, प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित। आपके यहाँ देसी भारतीय गाय तो होंगी ना? बहुत अच्छा, वो वरदान है आपकी खेती के लिए, उसका गोबर गोमूत्र वरदान। हमारे यहाँ प्रदेश सरकार ने एक नीति बनाई, जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा और अपने घर में देसी गाय पालेगा, उसको प्रदेश सरकार 900 रुपया महीना गाय के रखरखाव के लिए देती है। स्कीम अभी आपके यहां भी चलाएंगे, तो सारा सिस्टम बना करके पूरे उड़ीसा में बहुत बड़ा अभियान चलाया जा सकता है। और मेरे को ये जानकारी है कि उड़ीसा में अब भी आप लोग बधाई के पात्र हैं, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना प्रयोग नहीं करते। आप बहुत जगन्नाथ की धरती के लोग हो, तुम भले लोग हो, लोगों को कैंसर से बचा रहे, बीमारियां से बचा रहे, भारत को कंगाल होने से बचा रहे, भारत की धरती को जिंदा आपने बचाया हुआ। तो आप सब यहाँ आए, आपकी यात्रा अच्छी रही ना? सब जगह कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत अच्छा, इसके लिए आप त्रिवेदी जी का बधाई दो और इनका आभार व्यक्त। इतनी बढ़िया व्यवस्था की, इतने अच्छे मॉडल दिखाए, इतना प्रधानमंत्री जी का विजन इस प्रदेश के लिए आपने देखा, कितनी प्रगति किसानों में, इंडस्ट्रीज में, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उन्नत है। एक जमाना था कि ये प्रदेश भी उड़ीसा की तरह ही था, लेकिन जब आदमी मेहनत करके लगते ईमानदारी से, तो वो सब कुछ खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल देते हैं। तो ऐसा ही आप ऐसे बहादुर किसान यहाँ आए हैं, आप एक लक्ष्य बना के जाओ कि हमने भारत सरकार की नई जो नीति एग्रीकल्चर की आई है प्राकृतिक खेती, अपने उड़ीसा को प्राकृतिक खेती में जोड़ना है, इससे देखना आपका भविष्य बदल जाएगा। और एक कार्यक्रम वहां पर रखिए, मैं उसमें आऊंगा और इस कार्यक्रम से और आगे बढ़ने वाले। तो आप मूंगफली की खेती जब वहां का जलवायु अनुकूल है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जो आपने सीखा जाना, उसको अपने खेतों में बढ़ाओ और खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर मात्रा में करो, प्राकृतिक को लेकर टेक्नोलॉजी का यूज करो, जिससे आपका उत्पादन ज्यादा बढ़े और आप समृद्धि की ओर बढ़े। अब हमारी अगली मीटिंग होगी, मैं पुनः आप यहाँ आए, आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इस आशा के साथ कि यहाँ जो कुछ सीखने को मिला वो अपने प्रदेश में जाकर के आप व्यवहारिक रूप से लागू करेंगे, जिससे आप सबको लाभ हो सके। मो ना सुरनारायण बारिक, मुशारु सर संबित त्रिपाठी आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राकृतिक गच्छरोपण जो आयोजन करिसंती धर्मेन्द्र प्रधान सहयोग रे, ओडिशा गुजरात आसी गुजरात रो राजभवन भितरे गवर्नर सने भेटी गवर्नर देथवा उपदेश को मु अंगांग जड़ित भावे अनुभव करथिली। गवर्नर आम कहिथिले जे ए देशर ए माटी रो सर्वसुरक्षा करिया को हेले आपण माने विभिन्न प्राकृतिक गच्छ लगे प्रकृति की रक्षा करने प्राकृतिक विपर्जन न होगापी विभिन्न प्रकार गच्छ लगे, जो गच्छ कि चिरस्थायी ए माटी माँ को रक्षा करे। से गच्छ भितर आम निजे आंब गच्छ, बेल गच्छ, टभा गच्छ, नड़िया गच्छ, यह प्राकृतिक गच्छ जो गच्छर कि पूर्णांग स्थायी अवस्था गच्छ आम सब रोपण करमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आह्वान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान एवं आमर जे टीम आह्वान संबित त्रिपाठी आह्वान आम ओडिशा रे विस्तार भाव प्रचार करी समस्त चाषी भाई मानू समस्त लोक मानू ओडिशा रो
प्राकृतिक विपर्जय नाई विभिन्न प्रकार स्थायी गच सब रोपण करने निजे निजे अनुभव कलु एवं आम मन को आम संयम कर प्रसार करने निज दृढ़ पदक्षेप नापी स्थिर कलु। समस्त नमस्कार, मना सदामिनी देहुरी, डिस्ट्रिक्ट हूँ आम देवगढ़ ब्लॉक रियामाल आपीटा हूँ मल्लीपड़ा। तो आम आज आमर एल ए जो अच्छी एल ए तरफ आम आसीचु आमको आम से कमिश्नर सार समी सार बहुत मुझे प्रथम सर्वप्रथम आमको ये कोऑपरेट कर प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देवी आउ नमस्कार करूँ। तो धर्मेन्द्र प्रधान आम प्रति एतिके साहय कर गुजरात सरकार सहित तो जोगाजोग करी आमको पठाई जो चाषी देखिकी आसब तापर आम ओडिशा रे ही एमती करिवा। तो किछि किछि आम शिखिकी जाऊ किछि प्रकृत रे कौन होउजी आम से तो किछि जाही आम देखिनु आम ओडिशा रे ही नाही। तो गुजरात रे आसी आम शिखिलु केमिति घी तयारी होउची केमती बादाम सब मुंजी छोड़ा होमती मंडल देखिलु से आम मंडी गुड़ाक सब केमती करा आम तो धान आम खाली धान देखुलू तो धान मंडी देखीचु आंतु एवं आम एटे पिज रसुण धनिया बादाम कपा लंका ये सब आम देख लु बहुत खुशी लगे आमको देखिकी आम भी चेष्टा करूँ आम ढे सेमती करने तेणु गुजरात सरकार राज्यपाल कहले आमको साहय करने तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी से आमको कहले निजे जीवी प्रेजेंट रहीकि 500 चाषी के भी धरिकी जी 500 चाषी पठेबी से जाकि कोऑपरेट करेंगे आपण मान। तो सहीटापी मुझे बहुत बहुत सर को बहुत अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी से आमको ये साहय करने कहले आउ नरेन्द्र मोदी आमर नरेन्द्र मोदी जी सर जो आमर अच्छे प्रधानमंत्री से तांको तरफ आमको एतिक कोऑपरेट करते खाइबा पीबा रहिबा व्यवस्था जहाँ किसी करते खुशी लगुच आमको एत खुशी लगुच वर्णना भी करहबनी। तो आमको मुझे सर को धन्यवाद देकर वक्तव्य मो ना सस्मिता प्रधान जिला देवगढ़ रियामाल ब्लॉक जीपी हूँ कुंडेवाड़ा। आज आम आसलु भेटलु राज्यपाल सार को आ गृहमंत्री सार को भेटलु से किसी आमको प्राकृतिक विषय किसी आलोचना कले प्राकृतिक विषय आलोचना कले बहुत बहुत धन्यवाद दौजी किंतु से आमको कह साज्य सब समय करेंगे कहले 500 चाषी की ओडिशा को पठेबी मुई भी निजे प्रेजेंट रहीकि से सबू काम विषय सहयोग करी किंतु आम करूज भी ऑर्गेनिक रे 50 एकर करूजु हांडी खत जीवामृत आग्नेस्त जहाँ जहाँ भी जैविक उपाय करा आम भी निजे धान से सब करूजु। आज ओडिशा के टोटल 80 फार्मर्स गुजरात की विजिट के लास्ट 3 दिन से आए हुए, आज उसकी विजिट महामहिम राज्यपाल श्री के पास हुई है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नेचुरल फार्मिंग का बताया। राज्यपाल श्री ने और भी जो प्रवास कर रहे हैं उसको हिदायत दी कि नेचुरल फार्मिंग से क्या क्या बेनिफिट है, नेचुरल फार्मिंग क्यों करना चाहिए। लास्ट 3 दिन से सतत गुजरात की खेती के बारे में उड़ीसा के फार्मर्स यहाँ विजिट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है कि इंट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है। गुजरात का मॉडल एग्रीकल्चर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुजरात में जो जो प्रगति हुई है वो अच्छी तरह से किसान को दिखाई जा रही है और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो उड़ीसा के किसान है वो भी अच्छी तरह से अपना बेनिफिट इसमें से पाएगा।